हेलो दोस्तों, 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर हो जाते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा वॉच करना तो आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा डिटेल वाइज वीडियो समझाया गया है, तो लेट स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका साइंस। साइंस में हम साइंस से लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी क्लियर कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग में भी जा सकते हैं एंड बीएड करके टीचर भी बन सकते हैं। ओके, सो सेकेंडरी पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स लेके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं एंड एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं और सीए बन सकते हैं एंड टीचर भी बन सकते हैं। थर्ड पोर्शन है आर्ट्स। थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा आर्ट्स। आर्ट्स में आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में डिप्लोमा। तो डिप्लोमा में आप कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।